और डिलीवर भी हो रहा है। तू अगर मैसेज सीन नहीं करता है ना तो देख ले, तेरे सारे कॉन्टेक्ट निकाल चुका हूँ, एक एक को भेजूंगा, गंदी गंदी गालियां दूंगा। तू अगर पेमेंट नहीं किया तो तेरा ना करियर बर्बाद कर दूंगा, देखते जा। तेरा आधार कार्ड पैन कार्ड सब ना ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा और तू रोता रहेगा अगर पेमेंट नहीं किया तो। मैसेज इग्नोर मत कर और मैसेज सीन करके पेमेंट कर दे, आज तेरा ड्यू डेट है, समझा ना। तेरे जितने भी है ना डॉक्यूमेंट सब मैं तेरा डार्क वेब पे ना बेचूंगा, उसके बाद पैसे लूंगा वहां से। तेरा जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में मुझे मिलेगा भाई, फिर देखना तेरे जो डॉक्यूमेंट है ना उसके कितने गलत इस्तेमाल होंगे, देख लेना। जितने भी गैर कानूनी काम होंगे ना सब तेरे ही कागज यूज होंगे और फिर तू ही पकड़ा जाएगा अगर पेमेंट नहीं किया तो। पेमेंट नहीं किया ना देखते जा तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। अब आज से तेरा बुरा दिन शुरू होता है, समय भी शुरू होता है, शनि का प्रकोप तुझे देख लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो आप लोगों ने क्लिप सुना वो मुझे कॉल आया था और आप बिलीव नहीं करोगे लाइक उस कॉल के बाद में मुझे कैसा फील हुआ था। लाइक उस टाइम तो मैंने इतना उसको नहीं लिया सीरियसली, बट जब मुझे सेकेंड टाइम कॉल आया तब मैं ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो मुझे फर्स्ट कॉल आया, देन उसमें मुझे बोला गया कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स फ़ोटोज़ मेरे पास में है और हम लोग उसको वायरल कर देंगे अगर आप पैसे नहीं दोगे तो। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद कोई होगा ऐसे ही ब्लैकमेल करने के लिए, ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जब मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो उस मैसेज में मेरे को दिखाया गया कि मेरी फ़ोटो उन्होंने एडिट करी हुई है। एडिट करने के बाद में उन्होंने बोला कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो, पेमेंट अगर नहीं किए तो उसके बाद में ये हम वायरल कर देंगे। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया तो 15 मिनट के बाद में मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए और कॉल आए कि भाई ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास कुछ आ रहा है ऐसा। तब मैं शॉक में हो गया क्योंकि उस टाइम मेरे को कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरे रिलेटिव्स है और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैं थोड़ा सा शॉक में था उस टाइम पे, लाइक थोड़ा डर गया था कि यार अगर पता लगेगा तो क्या सोचेंगे वो लोग। फिर मैंने साइबर सेल में कंप्लेन किया उसको लेके और मेरे पास में नंबर था, मैंने नंबर को ट्राई किया तो वो नंबर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे रजिस्टर्ड था वेस्ट बंगाल में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैं पुलिस वाले के पास गया, मैंने पुलिस वाले को कहा कि मेरे पास इसकी डिटेल है, बट उन्होंने ट्रेस नहीं किया और उन्होंने मुझे ये बोल के मतलब वापस भेज दिया कि हमारे पास रोज़ ऐसी 1000 कंप्लेन आती है तो हम ये नहीं कर सकते चेक। तो मैं फिर घर आया तो उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरे पास रोज़ फॉरेन नंबर से, कभी सीरिया, कभी केनिया, कभी US, कभी कनाडा से, रोज़ कम से कम 100-150 कॉल आने लगी रोज़ के रोज़। मैंने ब्लॉक किया 1-2-3, लास्ट में मैंने फॉरेन कॉल्स ही सारी ब्लॉक कर दी मेरे ट्रू कॉलर से। उसके बाद में क्या हुआ कि वो कॉल्स आई, लास्ट में मैं इतना परेशान हो गया मैंने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया और दूसरा नंबर फिर यूज़ किया। तो उसके बाद में मेरी फैमिली वालों को भी कॉल गया कि आपका जो बेटा है ठीक है उस लाइक उसकी डिटेल्स हमारे पास में है, आप पैसा दो नहीं तो हम ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे, बहुत कॉल्स वगैरह आए। तो फिर उन लोगों के फ़ोन से भी मैंने सब ब्लॉक वगैरह किया और मतलब मैं कहीं ना कहीं एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई था। लाइक हमारा लॉ ऐसा है, जब मैं पुलिस स्टेशन में गया इस कंप्लेन को लेके, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि यार सामने वाला परेशान हो रहा है, क्या है सिनेरियो, कुछ समझना ही नहीं सीधा, हाँ ठीक है हम देख लेंगे, रोज़ 1000 कंप्लेन आती है हम सारी कंप्लेन नहीं देख सकते। तो कोई सेंस नहीं है इस बात का कि हाँ अगर सपोज़ मेरी जगह पर कोई लड़की होती और कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती और अगर ऐसा होता था उसके साथ में तो फिर सुसाइड कर लेते यार। तो जहाँ तक मैंने ये सब चीज़ें फिर रिसर्च करनी शुरू की तो मेरे को पता लगा कि आप इस चीज़ों से नहीं लड़ सकते, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, करोड़ों करोड़ों का स्कैंडल है ये, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। आई थिंक अगर आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझनी है तो जामतारा वेब सीरीज़ आप देखो नेटफ्लिक्स की, आप अच्छे से समझ पाओगे। तो लाइक मेरा सिर्फ एक चीज़ है खाली मेरे में जो मन में तब से डाउट में चल रही है कि क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेती है। साइबर क्राइम इतना हो रहा है और आप बिलीव नहीं करोगे मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों के साथ ऑलरेडी ये ऐसी चीज़ें स्कैंडल्स हो चुके हैं, किसी ने तो पैसे भी दे दिया था। मेरे एक फ्रेंड से पहले 3000 मांगा, फिर 7000, फिर 11000, उसके साथ इंस्टाग्राम पे हुआ था ये स्कैम। तो मतलब क्या है ये चीज़, लाइक क्यों हो रहा है ऐसा चीज़,
गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट पे कुछ एक्शन लेता है कि क्यों नहीं ले रहा है, ले रहा है? और आप बिलीव नहीं करोगे, बाकायदा ऐसे BPOs खुले हुए हैं, लाइक एक बी लाइक वहाँ से ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। मुझे एक एग्जांपल दो, मेरे पास कॉल्स आ रही थी, VPN से कॉल आ रही थी, जब फर्स्ट कॉल उठाया था वो कोई बंगाली था, लाइक उसकी टोन से पता लग रहा था वो बंगाली है। तो आप बिलीव करो, मतलब USA का नंबर है लेकिन कोई बंगाली बात कर रहा है, ठीक है, दैट टू उसको बात भी करना नहीं आता ठीक से, हिंदी भी उसकी बहुत वाहियात ही निकल रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज़ मन में आ रही है कि अगर सब कोई बंदा ऐसे फंस जाता है तो क्या करेगा वो। तो बस एक ही चीज़ है जहाँ तक मेरे को लगा जो हम कर सकते हैं, वो इग्नोर करना, उसके अलावा तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इग्नोर करो जितना हो सकता है, बस ख़त्म। बट गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर में एक्चुअली थोड़ा सा तो ध्यान देना ही चाहिए कि हाँ, अगर कोई बंदा ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो कोई तो सुने, एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए। आपने साइबर सेल बना तो दिया लेकिन कोई तो होना तो चाहिए ना वो सुनने के लिए, बट नहीं। खैर छोड़ो, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप लोगों ने उसे कैसे टैकल किया है, मे बी शायद मुझे आइडिया ना हो, अगर आप लोगों को आइडिया है तो आप प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट करके कि अगर ऐसा कोई स्कैम वगैरह स्कैंडल होता है तो क्या करना चाहिए। तो फिर गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, सॉरी अगले ब्लॉग में।